ऑलराइट गाइस, सो आई थिंक तीन पेपर हो गए हैं ग्रुप वन के। एफआर लेंथी था, एसएफएम एंड ऑडिट ऑन अ डिफिकल्ट साइड था। सो कई सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा है कि सर तो ग्रुप टू में एससीएमपी भी डिफिकल्ट आएगा क्या? तो मैं बोल रहा हूँ कि यार क्यों अपन लोग ऐसा एटीट्यूड रख रहे हैं कि यार डिफिकल्ट आएगा, इजी आएगा। लेट अस बी कॉन्फिडेंट फॉर आवर प्रिपरेशन, ठीक है ना। सो अपने हाथ में क्या है, अपने हाथ में है कि अपन मॉड्यूल आरटीपी एमटीपी पास पेपर्स केस स्टडी डाइजेस्ट पूरा कर ले। बाकी इंस्टीट्यूट को तो जैसा पेपर निकालना है वो निकालेगा। पहली बात, पेपर सबके लिए सेम होने वाला है। दूसरा, क्यों अपन एक्सपेक्ट करते हैं हर बार कि पेपर में एज इट इज क्वेश्चन जो अपन ने पढ़ा है वही आना चाहिए? क्यों अपन अपने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रह सकते हैं? सो इंस्टीट्यूट एक तरफ बोल ही रहा है कि भाई हमको तो इंटरनेशनली सब चीजें करनी है, तो इंटरनेशनली तो आई होप आपको पता होगा कि चीजें नहीं नहीं आती है। सो लेट्स चेंज आवर एटीट्यूड। आने दो पेपर डिफिकल्ट, वी विल मैनेज इट, वैसा एटीट्यूड रखते हैं ना, बिकॉज पेपर तो आएगा यार। सीए फाइनल लेवल के अगर अपन लोग हैं और पेपर चैलेंजिंग ना आए एंड पेपर डिफिकल्ट ना आए तो कहाँ पे और कौन से लेवल पे आप एक्सपेक्ट करोगे? सो लेट्स चेंज आवर एटीट्यूड कि यस, लेट द पेपर बी डिफिकल्ट, मैं उसको मैनेज करके आऊंगा। आई नो आप बोल सकते हो कि सर आप तो बन चुके हो सीए तो आपको ऐसा लग रहा है, बट लेट मी टेल यू एकदम ऑनेस्टली दैट जब मैं सीए खुद फाइनल कर रहा था मुझे हमेशा चाहिए था कि पेपर थोड़ा चैलेंजिंग है, तब भी तो पता चलेगा ना यार कौन असली हीरा है। सो लेट्स फाइट फॉर इट, लेट्स वर्क हार्ड फॉर इट। आप पढ़ के नहीं जाओगे उसकी वजह से इंस्टीट्यूट डिफिकल्ट पेपर ना निकाले, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। लास्ट टाइम भी पेपर में जब बजट री स्टैंडर्ड आया था तो स्टूडेंट्स का फोन आया, बोला अरे यार सर हमने तो वो किया ही नहीं। तो ये तो आपकी गलती है ना, इंस्टीट्यूट का तो काम ही है चैलेंजिंग पेपर निकालना। सो लेट्स बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, पढ़ाई के टर्म्स में लेट्स बी प्रिपेयर्ड फॉर द बेस्ट। एक्सपेक्टेशन ऑफ पेपर इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी, लेट्स बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। एंड देन फिर जो पेपर आता है अपने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, अपने आप के ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखे, अपने प्रैक्टिस के ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखे एंड गिव आर बेस्ट। वैसे कल मैं इसीलिए मैराथन ले रहा हूं सो दैट वी कैन इंश्योर कि अपन चीजें कॉन्सेप्चुअली और क्लियर रखें और प्रैक्टिस करें। देखो देर इज नो सब्स्टिट्यूट टू प्रैक्टिस, तो जितना अपन प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना कॉन्सेप्ट, उतना कॉन्फिडेंस, उतना एक लेवल अपन ऊपर आएंगे एंड पेपर को अच्छी तरह से लिख पाएंगे। सो लेट्स डू इट। टेलीग्राम चैनल पे मैं आप लोग के साथ कुछ एमसीक्यूज डालने वाला हूं, तो प्लीज टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, वो एमसीक्यूज को तुम लोग सॉल्व करना। एससीएमपी में आई नो एमसीक्यूज एग्जाम में नहीं आते, बट इससे आप लोगों का क्या माइंड थोड़ा थ्योरी में अच्छा रिवॉल्व होना चालू हो जाएगा। एंड दूसरा, केस स्टडी डाइजेस्ट एट फिंगर टिप्स। तो केस स्टडी डाइजेस्ट में जितने भी क्वेश्चन है, कौन से चैप्टर से है, क्या कॉन्सेप्ट